अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस बजट 2022-23 अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है और मैंने आपको कुछ वीक्स पहले ही आगाह कर दिया था कि एक पेशकश की गई है, एक कह लें कि तजवीज़ पेश की गई है कि कैश विड्रावल पे जो पहले टैक्स लगाया गया था उसको दोबारा बहाल किया जाए, और आज उस टैक्स को दोबारा बहाल कर दिया गया। तो इसी हवाले से मैं बात करने वाला हूँ कि कितना टैक्स आपको अदा करना होगा और किन को कैश विड्रावल पर अब टैक्स देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आज से जो पिछली हुकूमत से पहले भी ये टैक्स लगा करता था, जब भी आप लोग कैश विड्रा करते थे तो आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो पे करनी होती थी, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में इस टैक्स को दोबारा से ख़त्म किया गया था और अब दोबारा से इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। और ख़ासकर इस टैक्स को नॉन फाइलर का टैक्स कहा जाता है, जिसको विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। अगर आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आपने आज कैश विड्रा करवाई उसकी रकम 50,000 से ज़्यादा की होगी, चाहे वो 51,000 है 51 लाख है, तो आपको 0.6% का टैक्स अदा करना होगा। जी हाँ, 0.6% का टैक्स अदा करना होगा। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए निकलवाते हैं तो वो बनेंगे 600 रुपए, और अगर आप लोग वो 10 लाख निकलवाते हैं तो वो बनेंगे 6,000 रुपए। तो ये आपको जो टैक्स है वो अदा करना होगा, और ये वो टैक्स होगा जो कि नॉन फाइलर को होगा। अगर आप लोग एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, यानी कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद हैं, तो आपके लिए ये टैक्स नहीं है, आपको इस टैक्स से छूट दी गई है। यानी कि सिंपल बोलूँ तो जो लोग फाइलर हैं उनको ये टैक्स नहीं देना है, और नॉन फाइलर को अब ये टैक्स देना होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 0.6% टैक्स बनता है 1 लाख पे 600 रुपये, 10 लाख पे 6,000 रुपये, 20 लाख पे 12,000 रुपये, 30 लाख रुपये पे 18,000 रुपये, इसी तरह पर 10 लाख पे लाख रुपये के विड्रावल पे आपको 6,000 रुपये का टैक्स अदा करना होगा। इसके अलावा जो बैरून ममालिक से लोग रकमों बिचवाते हैं, अगर वो उससे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं तो जो पहले उनको 2% का टैक्स अदा करना होता था वो टैक्स भी अब उनको नहीं देना पड़ेगा। शर्त ये है कि वो रकम बाहर से ही आई हो और उसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अभी के लिए बस ताज़ा तरीन अपडेट्स यही हैं, मैं मज़ीद आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। आप बिज़नेस विद अली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।